दो दिन की लगातार मूसलाधार बारिश के बाद का नजारा सीधे पहाड़ से। और ये सामने है हमारा मुक्तेश्वर। आज बहुत दिनों बाद गाइज धूप देखने को मिली है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। सो गाइज, अभी मैं हूं अपने घर की छत पे, तो मॉर्निंग टाइम चल रहा है। अभी मैं करने वाला हूं ब्रेकफास्ट, और दो दिन से यहां पर लगातार बारिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक पिंजरे में कैद हैं। तो ब्रेकफास्ट मैं अभी अपने छत पे ही करने वाला हूं, क्योंकि यार धीमी धीमी हवा के साथ और खुले आसमान के नीचे ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ और है। और आज मैंने बनाई थी चाउमीन पूरे घर वालों के लिए। सो अभी जो ब्रेकफास्ट होगा मेरा, चाउमीन और चाय के साथ होगा। ये देख सकते हैं, भर के इसमें चाय है। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं और करते हैं बात मेन टॉपिक की। सो गाइस, मेरा हो चुका है अभी ब्रेकफास्ट, और मौसम ने ली है अभी करवट। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप आ रही है अभी बहुत बढ़िया वाली, लेकिन अभी कुछ ही घंटों में पूरा मौसम चेंज हो गया है। आसमान में पूरे बादल आ चुके हैं अभी। ये देखो यार, पूरा आसमान बादलों से घिर चुका है। ठंड भी होनी स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। मेरा अभी मैं हाफ टी शर्ट में था, और अभी मैं फुल में आ चुका हूँ। तो पहाड़ों में थोड़ी सी भी अगर बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर मौसम अगर चेंज होने लग जाता है, तो ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी आप पहाड़ों पर आएँ, तो थोड़े बहुत स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह एक आध अपने साथ ले कर ज़रूर आएँ। गाइज, पूरे 48 घंटे यहाँ पर कंटिन्यूस बारिश हुई है, और बारिश इतनी तेज़ थी कि कम से कम 4 से 5 बार मेरी नींद रात को खुली, क्योंकि बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ थी और पूरी मूसलाधार बारिश हो रही थी यहाँ पर। गाइज, ये आप देख सकते हैं, कल सुबह और कल रात भर बारिश हुई है यहाँ पर। इस वजह से जो हमारी जो नाला है घर के बगल में, वहाँ से देख सकते हैं कितना पानी बह रहा है अभी। ये देखिए, तो अभी हमारी 2 बकरियां जो हैं वो बगीचे में गई हुई हैं वो दावत उड़ाने के लिए। तो अभी बारी है तीसरी की, अब देखते हैं इसे मैं ले जा पाता हूँ या नहीं ले जा पाता हूँ, क्योंकि है बड़ी खूंखार, आपको पता ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो देखिए पीछे मुर्गी को भी नहीं आने दे रही अपने आसपास। तो कोशिश करते हैं इसको ले जाने की। तो यार गाइस, अभी देखते हैं हम इसको ले जा पाते हैं या नहीं ले जा पाते हैं। बड़ी ही खुखार है, ये देख रहे हैं गाइस, ये गाली भी देती है, देख रहे हैं आप। गाइस, हमारी बकरी का मूड बिल्कुल नहीं था हमारे साथ चलने का, सो उसे मैं वहीं छोड़ चुका हूँ। और अभी आपको ले चलता हूँ मैं
अपने गधेरों में। जैसा कि आप ये देख सकते होंगे पानी की धार, गाइस ये देख सकते हैं, जो यहाँ पर 48 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हुई है उसी का नतीजा है, पूरे गधेरों में बाढ़ सी आ गई है और सारे पहाड़ों में पानी पानी हो चुका है अभी। गाइस सुन रहे हैं आप ये शोर? ये गधेरों का शोर है, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है पानी की। तो अभी हमें 100 मीटर और नीचे जाना है, तो अभी से आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ आपको उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो अभी चलते हैं नीचे की ओर। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमें आना था, यानी कि अपने गधेरे में, और आपको दिखाता हूं मैं अभी हमको कहां पर एग्जैक्टली मैं लेके आया हूं आप लोगों को। तो ये रहा गाइज हमारा वाटरफॉल, तो देख सकते हैं आप। तो गाइज मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की है, जो हिडन वाटरफॉल है हमारा, तो वही है ये। गाइज अभी मैं आ चुका हूँ वापस। तो दो दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था गधेरा, खड़ा हूँ गधेरे में। तो ये आप देख सकते हैं कुछ दिन बारिश हुई यहाँ पर, तो काफ़ी पानी इकट्ठा हो चुका है गधेरों में। तो थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी पहले भी, तो अभी दो दिन की लगातार बारिश के बाद आप देख सकते हैं कितना पानी भर चुका है गधेरों में। और गाइज जिस वाटरफॉल में आज आपको ले गया था उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले भी, तो अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। और गाइज आज से एक महीने पहले यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन थी कि जो पीने का पानी होता है उसे पीने के तक हमारे लाले पड़े हुए थे। तो अभी जो है बारिश अच्छी हो चुकी है, सो अभी कोई टेंशन नहीं है। तो गाइज़ अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।